हेलो दोस्तों, अब सेक ट्यूशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फिर से एनसीईआरटी का मैथ, जो कि 10th क्लास का ही है। चैप्टर नंबर वही 8 है और एक्सरसाइज नंबर भी 8.4 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज हमारा आज भी 4 है, क्योंकि इसमें 4 मैथ था, ठीक ना। इसमें से 2 मैथ हमने 1 और 2 को इसके अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम 2 मैथ को सॉल्व करेंगे, 3 और 4 को, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें भी एक सही ऑप्शन हमें चुनना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक ना। सेक ए प्लस टेन ए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक ना। अब देखिए सेक ए को हम लिखेंगे, सेक ए को लिखेंगे हम 1 बटा कॉस ए, ठीक है। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। टेन ए को लिखेंगे हम साइन ए बटा कॉस ए, ठीक ना, ब्रैकेट बंद किए करेंगे। और 1 माइनस साइन ए को जेम का त्यों लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए को जेम का त्यों लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। तो क्या दिखने में लग रहा है, भी इनका जोड़ जैसा। तो इसको हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका लघुत्तम साइन ए आएगा, सॉरी कॉस ए आएगा, क्योंकि कॉस ए कॉस ए है, तो कॉस ए लघुत्तम आएगा इसका कॉस ए, ठीक ना। अब देखिए कॉस ए में कॉस ए से भागा तो 1, 1 से ऊपर में गुना तो 1 आएगा, प्लस कॉस ए में कॉस ए से भागा 1, ऊपर में साइन ए से गुना तो साइन ए आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद हमने किया। अब देखिए 1 माइनस साइन ए को फिर जो कहते हैं लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए को फिर जो का त्यों लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए 1 माइनस साइन ए, है ना। इसके बटा में कुछ नहीं, तो हम बटा में अपने से एक ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक ना, आपकी मर्जी। तो देखिए 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए है, 1 माइनस साइन ए है, तो ये दोनों को ऊपर वाला नीचे वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला देखिए, इसके ऊपर वाला इसके ऊपर वाला, देखिए 1 प्लस साइन ए है 1 माइनस साइन ए है, तो इसको दोनों देख कर कौन से सूत्र पर आ रहा है, ये दोनों मिलकर कौन सा सूत्र पर आ रहा है। तो देखिए ये आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाले सूत्र पर आ रहा है, ठीक ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ना। तो ये दोनों मिलकर इसी सूत्र पर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम इसी सूत्र पर तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए a का काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है एक, और b का काम साइन ए। इसमें भी देखिए a का काम एक कर रहा है और b का काम साइन ए कर रहा है। तो ए स्क्वायर आगे होता है, तो a का काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है, तो एक का स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर, बी का काम साइन ए, तो साइन ए स्क्वायर करेंगे, साइन ए स्क्वायर हो गया ना। बटा में क्या है, बटा में गुना करेंगे कॉस ए में एक से, तो कॉस ए आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, एक का स्क्वायर किए तो एक, और साइन स्क्वायर ए को जे कहते हुए लिख दिए बटा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है सूत्र कॉस स्क्वायर ए, बटा में क्या है कॉस ए है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस ए है, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, बचा ना। इसका आंसर क्या आया, कॉस ए आया। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन है, डी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। तो हमारा तीसरा सवाल हल हो गया। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर, ठीक है। हमारा चौथा सवाल है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए में देखिए क्या है, ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में क्या है कोट स्क्वायर ए, और डी में क्या है टेन स्क्वायर है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें भी एक ऑप्शन हमें सही चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं।
क्या लिखा हुआ है, वन प्लस टेन स्क्वायर है बट्टा वन प्लस कोट स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर है बट्टा वन प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है क्या, सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर है, बट्टा का चिन्ह देंगे। फिर वन प्लस कोट स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, कैसे देखेंगे, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। देखिए सेक स्क्वायर ए है तो सेक ए बराबर क्या होता है, एच बटा बी होता है, फिर बटा का चिन्ह है तो देंगे। अब बताइए कोसेक स्क्वायर ए है तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, एच बटा पी होता है, पता है ना। तो देखिए अब ऊपर इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हम दे देंगे पूरा पर, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे हम पूरा पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऊपर, एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बट्टा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। तो क्या होगा बट्टा, एक दो तीन बट्टा है, तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर भी गुना हो जाएगा, तो एच गुने क्या होगा पी होगा, और एच गुने बी हो जाएगा, एच गुने बी स्क्वायर, मतलब ऊपर में एच स्क्वायर गुने पी स्क्वायर, नीचे में है एच स्क्वायर गुने बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, अब पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। तो पी बट्टा बी बराबर क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है टेन हो थीटा। तो यहाँ पर कोने हैं ना तो कोने देंगे, टेन हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का चिन्ह देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो गया हमारा, डी, ठीक है। तो ये हमारा चौथा सवाल भी हल हो गया। हमें आशा है कि वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आया हो और हमने अच्छी तरह से वीडियो आपको समझाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में।